हैप्पी गार्डन बाय सीमा चैनल और आज मंगलवार का दिन मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ आपसे आपके पौधों का हाल चाल पूछने और आपको छोटी छोटी ऐसी बातें बताने जिससे आपके पौधों की जो है बेहतर से और बेहतर होते जाएंगे। तो आज की जो मेरी बेसिक प्लांट नॉलेज है उसके अंदर हम जान रहे हैं कि मनी प्लांट के पत्तों का साइज़ हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो मनी प्लांट के पत्ते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, उसके लिए आप उनको जो है हर 15 दिन में नाइट्रोजन का फीड दे सकते हैं। उसके अलावा उनको सपोर्ट देने के लिए आप जो है किसी अच्छी बैम्बू स्टिक या फिर पेड़ के जो सहारे हैं वो लगा सकते हैं। उनकी एरियल रूट्स जितनी बड़ी होती जाएगी पत्तों का साइज भी बढ़ता जाएगा। और आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, आज हम बनाने वाले हैं मिनिएचर कृष्णा, हाँ, जिससे कि हम हमारे जो है मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं और छोटे से गार्डन में मिनिएचर कृष्णा को सजा सकते हैं हमारे आने वाली जन्माष्टमी के लिए। तो जानते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये बनाया है एयर ड्राई क्ले से, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है एयर ड्राई क्ले की कि इसके अंदर आप इटसेल्फ कलर पहले मिक्स कर दीजिए, ऊपर से कलर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप अलग अलग जितने भी तरीके के बनाने वाले हैं वो सारे कलर्स बनाइए और अपना फिगर क्रिएट कर सकते हैं। एक कप कॉर्नफ्लोर लेना है, एक कप फेबिकॉल आपको लेना है, यहाँ लेना है आपको 1.5 चम्मच सिरका की और 1.5 चम्मच हमारा कुकिंग ऑयल। इनको सबको लेके आप एक पैन के अंदर आपको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, और देखिए इस तरीके से पूरा आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में आपको इसको गैस पे भी पकाना रहेगा, तो पहले अच्छे से मिक्स करें जिससे इसके सारे लम्स निकल जाएं, किसी भी तरीके की गांठें जो हैं इसमें नहीं रहनी चाहिए। गैस पे आपको जब तक इसको पकाना है जब तक कि ये किनारे ना छोड़ने लगे, यानी थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो आप चेक करें कि किस तरीके से कितनी कंसिस्टेंसी पर मैंने इसको पकाया है, उतना आप लें। और हमको इसको गरम गरम को ही बाद में मसलना होता है, तो साथ के साथ आप जहाँ पर भी आप इसको हाथ से मसलने वाले हैं थोड़ा सा तेल लगा के वहाँ छोड़ दें, तो फटाफट से आपका जैसे ही आप इसको गैस पे से उतारेंगे तुरंत आप इसको जो है स्मूथ करने के लिए अपने हाथ से मसल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा पका लीजिए और थोड़ी देर में ये किनारे छोड़ने लगेगा। ये देखिए थोड़ा इस तरफ जब किनारे छोड़ने लगता है तो थोड़ी गांठे से उसकी बनने लग जाती है, इसीलिए हम इसको नीचे उतारने के बाद में तुरंत गरम गरम को ही हम इसको करते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा तेल लेके यहाँ पे किया है और अब इसको हाथ से हम मसलेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये गरम है, लेकिन आपको वो मसलना ज़रूरी है तभी वो उतना स्मूथ होगा। और इस तरीके से मसलने के बाद में आप देखें कि इसके अंदर ना तो किसी तरीके के क्रैक्स आते हैं, एकदम स्मूथ एकदम बढ़िया पेस्ट बन जाता है। इसको आप थैली में डाल के और रबड़ लगा के किसी एयर टाइट डब्बे में रख दें तो आराम से ये आपका 20 से 30 दिन ये जो है चल जाता है। अब हम देखेंगे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने फैब्रिक्रिल कलर लिया है, इसके अंदर मैं ब्लू कलर डाल रही हूँ बॉडी के लिए। आप सारे कलर्स इसी तरीके से बनाकर और सेपरेट रख सकते हैं। ये लगाने के बाद में इसको अच्छे से आप मसल दीजिए, मिक्स कीजिए, जितना भी आपको कलर चाहिए जितना गहरा आपको कलर चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ब्लू कलर हो गया। अभी हम सबसे पहले बनाने वाले हैं फेस कृष्ण जी का, सबसे पहले हम फेस बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको जो है आईज़ और नोज़ बनाने हैं, और आप चाहें तो आप किसी भी तरीके के जो टूल्स जो मिलते हैं बाज़ार के अंदर आप उनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। और यहाँ मैं लिप्स के लिए जो है शेप दे रही हूँ। थोड़ा सा हम मुंह खुला बनाएंगे तो उसके अंदर हम मक्खन दिखा सकते हैं, इसलिए इसको अंदर से आपको थोड़ा सा डीप कर लेना है। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं बॉडी। तो ये जो है इस तरीके से आप शेप दे दें बॉडी की, और नीचे ये प्लास्टिक का जो मैंने रखा है वो इसलिए रखा है कि ये किसी भी चीज़ पे आसानी से आप इसको मूव कर सकते हैं और इजीली इधर से उधर ले जा सकते हैं और अपने हाइट पे भी इसको ले सकते हैं। इधर मैंने लेग्स बना दी हैं और हम लेग्स के साथ में ये हैंड्स भी हमने बना दिए हैं।
अब हम इनको आपस में स्टिक करेंगे। थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए इसके अंदर आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये आपस में इजीली मिक्स हो जाता है। ये लेग्स हमने दोनों लगा दिए हैं, अब हमारे हाथ लगाने बाकी हैं। और इस तरीके से हाथ को भी आपको लगा देना है और थोड़ा सा पानी लेके इसको आप इजीली मिक्स कर सकते हैं। अब हमारा जो है फेस ऑलमोस्ट सूख गया होगा, इसको 3 से 4 घंटे लगते हैं सूखने में, तो आप बेटर होगा कि आप सूखने के बाद ये फेस का जो है काम करें, तो थोड़ी सी फिनिशिंग आएगी। यहाँ हमने जो है ब्लैक कलर का ले लिया है हमारा क्ले, जो कि मैंने पहले से बना के रखा था, और मैं यहाँ पर अभी इनके बाल बनाने वाली हूँ। थोड़ा ज़्यादा पानी होने पर हाथ पे स्टिक हो जाता है, देखिए किस तरीके से, तो कोशिश करें कि थोड़ा कम पानी लें, क्योंकि हमको सिर्फ हल्का मिक्स ही करना है दूसरे वाले से। अब हम इधर जो है इनके थोड़े आगे की तरफ करते हुए बाल निकाल देंगे और कान भी इनके ब्लू कलर से बना देंगे। यहाँ पर जो एक जूड़ा जैसा जो बना रहता है कृष्णा का, वो हमने बना दिया है। अब हम इसको स्टिक कर देंगे हमारे बॉडी के साथ में, और उसके बाद में इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम बनाने वाले हैं धोती येलो कलर की, आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं। तो आप देखिए धोती के अंदर फ्लो किस तरफ जाता है, उस फ्लो के अकॉर्डिंग आप जो है धोती का जो है वो दे सकते हैं, और टूथपिक की सहायता से उस पर कुछ इम्प्रेशंस भी डाल सकते हैं। और वही हमको स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा पानी अपने फिंगर पे लेकर करना है। ये मैंने दे दिया है, अब मैं ऊपर की तरफ ये जो है कनकती जिसे हम बोलते हैं वैसा क्रिएट कर रही हूँ। और आप लोग इसके जो है बना सकते हैं हार, और जो पीछे की जो है सारी चीज़ें आप स्टोन से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने क्ले का ही यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये हमारा कृष्णा जी हमारे तैयार हो गए हैं, आप अपने मिनिएचर गार्डन में इसको सजा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके अपनी जो भी क्वेरी है मुझे बताइए।